हेलो एवरीवन, आज का जो मेरा सेशन है आप सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट सेशन है। निमसेट 21 का एग्जाम भी हो गया है, रिजल्ट भी आ गया है और बच्चों को कॉलेज भी अलॉट हो गए। अब दो तरह के कैंडिडेट हैं। पिछले कुछ दिनों से आप लोगों के कंटिन्यूअसली मैसेज आ रहे थे, पर क्योंकि आपको भी पता है कि एक तो इम्पिटस का रिजल्ट, फिर अवार्ड सेरेमनी और बहुत सारी चीजें थी, इसलिए सेशन नहीं लिया। आज के सेशन में मैं क्या क्या कवर करने वाला हूँ पहले बता दूं, जिससे कि इस सेशन को आप एंड तक देखें। नंबर वन, जो फ्रेशर स्टूडेंट हैं 22 के लिए, यानी जिनका फाइनल ईयर है, वो निमसेट के लिए कैसे प्रिपेयर करें। टाइम कम है, 10 मंथ के आसपास बचे हैं, 9 मंथ बल्कि बोलें तो इस 9 मंथ में हो सकता है कि नहीं, क्योंकि आजकल आप जो मुझे फोन करते हैं या मैसेज करते हैं तो इसमें पहला क्वेश्चन होता है। दूसरा, जिनका किसी कारण से निमसेट 21 में रैंक नहीं आया, ऑब्वियसली कॉम्पिटेटिव एग्जाम देते हैं तो हर बच्चा सिलेक्ट नहीं होगा, तो कई बच्चे ऐसे भी हैं जिनकी रैंक अच्छी नहीं आई, उनको ड्रॉप लेना चाहिए कि नहीं। ड्रॉप को लेके मन में बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं, जॉब प्लेसमेंट को लेके कंफ्यूजन होते हैं, ये इस सेशन में कवर होगा। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो किस ढंग से प्रिपरेशन करें और किन किन बातों का स्पेशली ध्यान रखें, यह हमेशा आपका क्वेश्चन रहता है कि सर सेल्फ स्टडी के लिए क्या प्लान होना चाहिए। तो मैं आपके साथ इनफैक्ट आज के सेशन में सेल्फ स्टडी से ही डिस्कस करूंगा। यदि आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो क्या ध्यान रखें, अगर आप क्लासरूम कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं तो क्या ध्यान रखें, अगर आप टेस्ट सीरीज या पेन ड्राइव कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं तो क्या करें, यानी ये सारी चीजें इस सेशन में कवर होंगी। तो इस सेशन एंड टू एंड तक आपको बहुत अच्छे से देखना है, समझना है। और आप सब जानते हैं कि इम्पिटस ने जो इस साल रिजल्ट दिया है वो आपके सामने है, और ये वो रिजल्ट है जो आप में से कई लोगों ने घर में रहते हुए दिया, यानी क्लासरूम स्टूडेंट, ऑनलाइन स्टूडेंट, पेन ड्राइव स्टूडेंट, टेस्ट सीरीज स्टूडेंट और मैजिकल कैप्सूल के स्टूडेंट ने ये रिजल्ट दिया है। और इम्पिटस का एक ही स्लोगन होगा कि हर बच्चा बढ़ेगा और हर बच्चा पढ़ेगा। तो आप सब किसी भी कारण से, जो भी कंडीशंस हैं, आप किसी भी कंडीशन में अगर आप चाहते हैं कि आप अच्छा एग्जाम को क्रैक कर सकें, यानी आप अच्छा रिजल्ट दे सकें, तो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो मैं डिस्कस करूंगा। तो ये सेशन उन दोनों बच्चों के लिए काम का है जो कि 22 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और फर्स्ट टाइम एग्जाम देने वाले हैं, और उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि ड्रॉप लेने का मन बना रहे हैं और मन में कुछ कंफ्यूजन है, यानी दोनों बातों को अच्छे से कवर करेगा। तो इन दोनों चीजों को मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ, और जो 23-24 में एग्जाम देने वाले उनको भी मैं बोलूंगा कि आप समय रहते हुए पढ़ाई करिए। अक्सर ड्रॉप लेने की जरूरत वहां पड़ती है कि हमने या तो लेट प्रिपरेशन स्टार्ट की होती है या एग्जामिनेशन हॉल में हम कई बार अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड जिसे बोलते हैं, यानी ओवर प्रेशर या ओवर थिंकिंग की वजह से हम कई बार पेपर बिगाड़ देते हैं। तो हमें इन सब छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले बात करते हैं, मैं एक छोटी सी बात बोलूंगा, जो बच्चे ड्रॉप लेने का सोच रहे हैं एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि ड्रॉप लेना मतलब साल खराब करना नहीं होता, बल्कि मेरा यह मानना है कि ये साल आपकी इंटायर लाइफ को चेंज कर सकता है, यानी इस एक साल से हो सकता है आपके अगले 50 साल अच्छे हो जाएं। तो ड्रॉप का जो डिसीजन है वो कहीं से कभी तक कभी भी गलत नहीं हो सकता। बस एक चीज है कि अगर आप ड्रॉप ले रहे हैं तो किसी प्रेशर में आके ना लें, ड्रॉप लेने का डिसीजन अपना होना चाहिए। अगर आपको अंदर से लगता है कि मैं ड्रॉप लेके बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकता हूं और मैंने जो मिस्टेक्स इस बार की हैं वो नहीं करूंगा, तो मैं आपको बहुत ऑनेस्टली बोलूं, ड्रॉप में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवन 1 ड्रॉप 2 ड्रॉप 3 ड्रॉप कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अब क्योंकि निमसेट में कॉम्पिटिशन काफी बढ़ गया है, पहले कम था, तो ये एक नॉर्मल सिनारियो अब धीरे धीरे डेवलप होने लगा है। लोग अभी तक 1 ड्रॉप लेते थे, अब 2 और 3 ड्रॉप भी लेंगे बच्चे, तो ये भी आने वाला समय आप देख रहे हैं होता जा रहा है, जैसे जेई में होता था। इनफैक्ट जेई में जब से उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगाया, नहीं तो पहले लोग जेई के लिए भी 4-4, 5-5 ड्रॉप लेते थे। सिंपल लॉजिक है, अगर 10 लाख बच्चा देगा और 18,000 सीट है तो आप बताइए कि कैसे पॉसिबल है। तो जिनका ड्रीम है, जो कुछ नंबर से रह जाते हैं वो ड्रॉप लेते हैं, वैसे ही एमसीए में होने वाला है। दूसरा, अगर आप ड्रॉप नहीं ले रहे हैं तो जिस कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं वहां के प्लेसमेंट्स को चेक कर लें और फिर वहां जाके अच्छा परफॉर्म करें। पर यह डिसीजन 100% आपका होगा कि आपको ड्रॉप लेना है या नहीं लेना, पर ड्रॉप लेने से कोई प्रॉब्लम नहीं आती। दूसरा, ड्रॉप लेने के बाद अगर आप किसी एनआईटी में जाते हैं तो मैं आपको अभी बता दूं कि 2-3 ड्रॉप के बाद भी प्लेसमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं जाती। अक्सर प्लेसमेंट को लेके बच्चों के मन में कंफ्यूजन रहता है। अगर आप ड्रॉप लेके कहीं प्राइवेट कॉलेज जा रहे हैं तो हो सकता है आपको प्लेसमेंट में प्रॉब्लम जाए, पर एनआईटी में प्लेसमेंट में प्रॉब्लम नहीं जाती, अपॉर्चुनिटी बहुत होती है। तो अब मैं वन बाय वन कुछ बातें डिस्कस करूंगा आपके साथ, ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा और फिर आप डिसाइड करिएगा कि आपको करना क्या। अब अगर आपने टारगेट बनाया है कि मुझे निमसेट क्वालिफाई करना है, तो निमसेट के अलावा भी कुछ और एमसीए एग्जाम है जो आप दे सकते हैं। और याद रखिए कि पहली बात
कभी मिसगाइड मत हो जाइए। कई लोग मिसगाइडेड हो जाते हैं, जैसे अगर कोई बच्चा आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहा है तो इंडिया का कोई भी इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम देगा तो उसको अलग से प्रिपरेशन नहीं करनी होती, प्लस माइनस 10-15% सिलेबस का डिफरेंस होता है, नथिंग एल्स। पर अगर उसने आईआईटी की प्रिपरेशन ढंग से की है तो उसको अलग से किसी की नहीं करना। वैसे ही निमसेट भी एमसीए का एक ऐसा ही एग्जाम है कि अगर आप निमसेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, इज मीन्स कि आप हर एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। डीयू में हर थोड़ा सा सिलेबस चेंज होता है, करीब करीब 20-22-30%, बाकी जगह पे तो लेवल डाउन ही होता है। यानी अगर आपने निमसेट की प्रिपरेशन की है तो आप इंडिया का हर एग्जाम अच्छे से और अच्छी रैंक के साथ क्वालिफाई कर सकते हैं, बशर्त है कि आपने निमसेट की प्रिपरेशन अच्छे से की। तो कोई अगर आपको मिसगाइड कर रहा है या कोई ये बोलता है कि इन सब की प्रिपरेशन अलग अलग होती है, तो मैं बता दूं प्रिपरेशन अलग अलग नहीं होती, थोड़ा एग्जाम पैटर्न में डिफरेंस होता है। और मैंने ऑलरेडी बता दिया कि थोड़ा सा इसका सिलेबस ऐसा है जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, बाकी तो कोई नहीं, पर इसको कवर करने के बाद इस एग्जाम को भी निकाला जा सकता है। अब बात आती है कि जैसे अब अच्छा ये दिया है मैं बता दूं, अच्छा इम्पिटस के जो न्यू बैचेस हैं, एक ड्रॉपर बैच है जो 15th से स्टार्ट हो रहा है, AIMC 22 ड्रॉपर बैच, जो live.impetusgurukul.com पे आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ड्रॉपर्स बच्चों के लिए जो ड्रॉप ले रहे हैं उनके लिए एक सेपरेट बैच है जो न्यू बैच है, और ऐसे ही जो फ्रेशर स्टूडेंट है जो फाइनल ईयर में है उनके लिए भी 15 से ही बैच स्टार्ट हो रहा है। उस बैच का नाम है जे, यानी ABCDEFGHI तक हो चुके हैं, ये जे न्यू बैच है। और ये दोनों बैच ही जो है वो 15th ऑफ सेप्टेम्बर से स्टार्ट हो रहे हैं। यानी आप अगर फाइनल ईयर में हैं या आपने ड्रॉप लिया है, दोनों ही केस में 15th वाले बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक भी दिया हुआ है और उसका यूआरएल से आप क्लिक करेंगे तो आप बैच पे पहुंच सकते हैं। और इसमें आप यहाँ पे येलो लाइन पे जो देख रहे हैं ये ईएमआई ऑप्शन पे अगर जाना चाहें तो यहां से क्लिक करके जा सकते हैं। तो ये दो बैच की मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी। अब बात करते हैं कि अगर हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, निमसेट क्रैक करना चाहते हैं, तो क्या हम सेल्फ स्टडी से कर सकते हैं कि नहीं। मैं बता दूं आपको कि 21 के रिजल्ट ने वो कर दिखाया है जो सच में आप लोग देखते हैं। अभी मैं रेगुलर, अच्छा एक और चीज याद रखिए, आप सभी बच्चे बेटा इम्पिटस से जुड़े, मैं इम्पिटस की अभी अवार्ड सेरेमनी के अलावा हर बच्चे का 1-to-1 जो इंटरव्यू डाल रहा हूं वो हर इंटरव्यू को रेगुलर सुनिए, एवरीडे मोटिवेशन है। और वो 5 से 10 मिनट का होता है और अलग अलग सिटी के बच्चे हैं जिन्होंने अलग अलग कंडीशन में, किसी ने टेस्ट सीरीज से, किसी ने ऑनलाइन कोर्स से, किसी ने मैजिकल टेस्ट सीरीज से, किसी ने मैजिकल कैप्सूल कोर्स के थ्रू, क्लासरूम के थ्रू, ऑनलाइन कोर्सेज के थ्रू रिजल्ट दिया है, इनको जरूर सुनिए। ये हर दिन का एक तो मोटिवेशन है और ये उनके खुद के रियल फीडबैक्स हैं। जब आप उनको सुनते हैं तो आपको कहीं ना कहीं ये लग समझ में आ जाएगा कि मैं भी कर सकता हूं, और सेल्फ स्टडी से भी कर सकता हूं, ऑनलाइन क्लासेस से भी कर सकता हूं, टेस्ट सीरीज से भी। आपको अपने आप को पहचानना है, मतलब मैं ये जो सेशन ले रहा हूं इस सेशन के बाद आप 10 मिनट अपने आप को असिस्ट करिएगा कि मैं किस ढंग का हूं, मेरा नेचर क्या है, एंड अकॉर्डिंग टू नेचर आप प्लान करिए कि क्या करना है। क्योंकि सेल्फ स्टडी जब बात आती है तो क्या चैलेंजेस आते हैं, ऑनलाइन क्लासेस आती है तो क्या चैलेंजेस आते हैं, क्लासरूम आप करते हैं तो क्या चैलेंजेस आते हैं, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो क्या चैलेंजेस आते हैं, मैं इसका 1 by 1 डिस्कस करूंगा। यानी ये बहुत डिफरेंट तरह का सेशन है और आपको 100% हेल्प करेगा। तो वो चैलेंजेस को समझना है, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो क्या डिसिप्लिन ध्यान रखना है वो मैं बताने वाला हूं। तो 1 by 1 हम इनके बारे में बात करेंगे और इस सेशन के एंड में फिर आप अपने आप को असेस करिएगा कि मैं एक्चुअल में क्या हूं और कहां स्टैंड कर रहा हूं। अगर आपको लगता है कि आप सेल्फ स्टडी के लिए जो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं अगर आप उन्हें फॉलो कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी से करिए, ऑनलाइन से करिए, क्लासरूम से करिए, टेस्ट सीरीज से करिए, पेनड्राइव से करिए, आपके पास हर तरह के ऑप्शन है। क्योंकि आप इम्पिटस गुरुकुल से जुड़े हैं और इम्पिटस गुरुकुल का मतलब होता है इंडिया का हर वो बच्चा जो कुछ करना चाहता है वो कर सकता है और इम्पिटस गुरुकुल उसके साथ है। और ये बात पिछले 3 साल से प्रूफ हो रही है। और इम्पिटस गुरुकुल जाना भी इसलिए जाता है कि वो बच्चे जो किसी कारण से, फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उनके बाद भी इतना अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। तो आप घबराने की जरूरत नहीं है, आप सब कर सकते हैं। तो अब मैं बात करता हूं नंबर 1 कि अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो क्या सेल्फ स्टडी से, हर एक बच्चे का क्वेश्चन होता है, ये सबसे हाईएस्ट पूछे जाने वाला क्वेश्चन है और इसमें हाईएस्ट कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। तो अगर आप सेल्फ स्टडी से कर रहे हैं तो निकाल सकते हैं कि नहीं, मैं बोलूंगा निकाल सकते हैं। बस 3-4 बातों का ध्यान रखिएगा। इस सेशन के एंड में मैं सिलेबस को भी डिस्कस करूंगा, क्योंकि सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या क्लासरूम कर रहे हैं ऑनलाइन, सिलेबस का एक प्रॉपर पैटर्न हमें फॉलो करना है।
उस पैटर्न को अगर आप फॉलो कर पा रहे हैं तो समझ लीजिए सब सही जा रहे हैं। अब बात आती है कि सेल्फ स्टडी से कर सकते हैं कि नहीं। देखिए क्या होता है, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे अगर आपको अच्छी बॉडी बनानी है तो आप घर पे एक्सरसाइज करके भी बना सकते हैं और फिटनेस क्लब जाके भी। बस फिटनेस क्लब जाने से एक एटमॉस्फेयर मिलता है, एक प्रॉपर ट्रेनर मिलता है, हम प्रॉपर ट्रेनिंग के अंतर्गत काम करते हैं, हमें रिजल्ट जल्दी मिलते हैं। जब हम घर पे कर रहे होते हैं तो अगर कोई डिसिप्लिन है तो कोई दिक्कत नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है तो सब बेकार है। तो सेल्फ स्टडी का सबसे पहला और इंपॉर्टेंट की रूल है हाईली डिसिप्लिन। हाईली डिसिप्लिन मतलब हाईली डिसिप्लिन। यदि आपने सोचा है कि मुझे सेल्फ स्टडी से निकालना है तो सबसे पहला काम कि आपको बहुत डिसिप्लिन में होना चाहिए। दूसरा, कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी पड़ेगी, यानी रेगुलर अगर आप 6 to 8 hours पढ़ाई कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है। तीसरी बात, जब हम सेल्फ स्टडी करते हैं तो एक सबसे बड़ी चीज है, आज यूट्यूब पे या गूगल पे आप सर्च करोगे मटेरियल का लिमिट नहीं है, इतना है, पर अगर आप सब करने लगोगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो नंबर वन कि आप कम से कम चैनल्स को फॉलो करें। ये सेशन के बाद मैं आपको ये भी बोलूंगा, अगर आपको लगता है कि इम्पिटस गुरुकुल चैनल को फॉलो करने से फायदा हो रहा, ठीक है, किसी और से समझ में आ रहा उसी को करो, पर अगर आप हर थोड़ी देर में चैनल बदल रहे हैं, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। आज मेरे पास अभी अभी जब से एग्जाम खत्म हुआ उसके बाद जिन बच्चों का बाई चांस रिजल्ट नहीं आया और जिन्होंने सेल्फ स्टडी की थी अब उन्होंने ज्वाइन किया, ये ड्रॉपर बैच भी इसलिए मैंने प्लान किया क्योंकि बच्चे ज्वाइन करते जा रहे हैं, तो जो बच्चे अभी ड्रॉप लेके पढ़ाई कर रहे हैं उसमें से 80% बच्चों का एक ही कहना, सर हमने सेल्फ स्टडी का प्लान किया था, 3-4 प्रॉब्लम आई, एक तो हम रोग डिसिप्लिन नहीं रह पाए, सिलेबस स्टार्ट एंड कहां करना ये थोड़ा कंफ्यूजन रहा, दूसरा थोड़ा लालच आ जाता है इसको भी देख लें इसको भी देख लें इसको भी देख लें। ऐसा करोगे तो आप सिलेबस ही खत्म नहीं कर पाओगे, आपको एक प्रॉपर टाइम टेबल को बनाना पड़ेगा जिसमें मैं आपकी अभी हेल्प करने वाला हूं, वो भी चिंता मत करिए। तो नंबर वन कि आप अधिक से अधिक सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आप कोई भी एक आध चैनल को, हो सके दो को भी, जिसका जो, पर क्या होता है जैसे आप मुझसे भी पढ़ रहे हैं, अब जब मेरा वीडियो देखा उसी के साथ सजेशन में 4 और दिख गए वो भी देख लिया, उसमें कंफ्यूजन चालू हो जाता है, सेल्फ स्टडी कम होती है। तो जब तक सेल्फ स्टडी नहीं होती जब तक ये प्रॉब्लम होती है। जैसे बच्चे जब इम्पिटस ज्वाइन कर लेते हैं तो जो मुझे वो फीडबैक देते हैं कि सर अब ज्वाइन करने बाद कंफ्यूजन ही खत्म, आपकी क्लास बहुत फिक्स होती है, रेगुलर होती है, हर संडे को पता है टेस्ट क्या देना है, सारा कंफ्यूजन खत्म और हम बहुत अच्छे से पढ़ पा रहे हैं। वो चीज सेल्फ स्टडी में कई बार नहीं हो पाती, पर मैं फिर भी बता दूं कि इस साल भी और पिछले साल भी सेल्फ स्टडी के बच्चों ने रिजल्ट दिया और इस साल भी देंगे। बट आपको क्या ध्यान रखना है, एक हाईली डिसिप्लिन, दूसरा आपने अगर ये डिसाइड किया है कि 6 घंटे, मैं कहता हूं 4 घंटे भी सोचा है, पर चाहे कोई भी दिन हो हर दिन 4 घंटे पढ़ना है। और मैं आपको एक बोलूंगा, एक छोटी सी बात बोलूंगा, 10 दिन आप अपने आप को असेस कर लें कि आप सेल्फ डिसिप्लिन है कि नहीं, नहीं है तो मैं आपको एक पर्सनल सजेशन दूंगा, बिना देर किए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज कुछ भी ज्वाइन कर लेना, पर ऐसा मत करना, क्योंकि बेटा देखो क्या होता है, आप जो बच्चे इस साल एडमिशन ले रहे हैं वो अब ये सोचते हैं कि काश सर हमने लास्ट ईयर ही आपसे बात कर ली होती, ज्वाइन कर लिया होता तो अच्छा होता, पर हम पीछे नहीं जा सकते, टाइम बहुत कीमती है, जितना अच्छा आप टाइम को सेव करेंगे उतना अच्छा है। तो आप लोग खुद डिसाइड करें। तो मैं सेल्फ स्टडी वालों को 100% सपोर्ट करता हूं, पहले भी कर रहा था इस बार भी करूंगा। मैजिकल कोर्स मैंने लास्ट ईयर भी लॉन्च किया था, उसके लास्ट ईयर भी, और मैजिकल जैसा नाम है वैसे वो मैजिक भी दिखा देता है। तो सेल्फ स्टडी के लिए अभी इस साल भी लॉन्च होगा जैसे एग्जाम डेट आएगी, और उसके पहले भी रेगुलर सेशंस मिलेंगे, पर आपको बहुत डिसिप्लिन होके पढ़ाई करनी होगी। और सेल्फ स्टडी वालों को चीज एक बात बोलूंगा, भले कि सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो भी आपको एक सजेशन है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके कम से कम आप रेगुलर अपना असेसमेंट करते रहो। और अच्छा, इम्पिटस गुरुकुल की टेस्ट सीरीज भी ऐसी है कि उसमें टॉपिक वाइज टेस्ट होते हैं, तो आपको एक ऑर्डर पढ़ने को मिल जाएगा, फिर फुल लेंथ होंगे, फिर मॉक होंगे, तो आपको हर वीक क्या पढ़ना है वो एक ऑर्डर मिल जाएगा। पर इन दोनों चीजों में भी कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है या ऑनलाइन, ये डिसीजन बेटा आपका है। पर अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आप कुछ बातों को ध्यान रखें, एक सेल्फ डिसिप्लिन, दूसरा कंसिस्टेंसी मेंटेन करना, तीसरा टाइमली सिलेबस को कंप्लीट करना, मैं बताऊंगा किस ऑर्डर में कैसे कैसे टॉपिक करें, टाइमली सिलेबस को कवर करना, चौथा लगातार हर टॉपिक को खत्म करने के बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करना, और रेगुलर बेसिस पे अपनी टेस्टिंग करना, और नंबर लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कि बहुत ज्यादा
चैनल्स को या बहुत ज्यादा सर्च करने की जगह सेल्फ स्टडी पे वर्क करें, मिनिमम चैनल्स को आप फॉलो करें, हो सके तो एक या दो, इससे ज्यादा नहीं, और जैसे आपको जिसका जो पोर्शन समझ में आता है वो, पर ये चीज को ध्यान रखते हुए चलेंगे तो आपको फायदा मिलेगा। तो ये हुई बात, सेल्फ स्टडी से बिल्कुल किया जा सकता है। सेल्फ स्टडी में किस ऑर्डर में पढ़ना है वो मैं अभी सेशन के एंड में आने वाला हूं, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब बात आती है कि अगर आप मान लीजिए ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करते हैं तो एडवांटेज क्या है, जैसे आप ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करते हैं तो इम्पिटस गुरुकुल में दो क्लासेस होती है, एक मॉर्निंग में एक इवनिंग में, और वीकली क्लासेस होती है रेगुलर मंडे टू सैटरडे एंड देन संडे को उनका टेस्ट होता है। तो हर हफ्ते एक आपका रूटीन सेट हो जाता है, सुबह उठाया जाता है आपको एक टाइम पे, क्लास स्टार्ट होती है, दिन भर आपको पढ़ाई करनी है, फिर शाम को क्लास होगी और उसके बाद आप सेल्फ स्टडी, यानी आपको हर दिन का एक टारगेट सेट होता है वो कवर करते हैं, और हर संडे आप जब ऑनलाइन टेस्ट देते हैं तो आप अपना असेसमेंट कर पाते हैं। तो ऑनलाइन क्लास का फायदा ये है, बस ऑनलाइन क्लास के साथ आप घर पर रह के पढ़ाई कर सकते हैं। तो ऑनलाइन क्लासेस में आपको सबसे पहले अपने घर को नहीं छोड़ना होता, कुछ फायदे भी होते हैं, कुछ चीजें बता देता हूँ, क्लासरूम कोर्स के एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तो आप घर में रह के पढ़ पाते हैं, जब आप क्लासरूम के लिए आते हैं तो आपको हॉस्टल में रहना पड़ता है, तो हॉस्टल का एनवायरमेंट, खाना पीना, इन सब में कंप्रोमाइज करना पड़ता है। पर अगर आपके घर में पढ़ाई हो सकती है आपकी, आप डिसिप्लिन पढ़ सकते हैं, तो क्लासेस बहुत रेगुलर होती है, मैंने ऑनलाइन के बच्चों के इंटरव्यू डाले हैं वो जरूर सुनिए, तो आप ऑनलाइन रह के घर पे पढ़ सकते हैं और हर दिन अपनी रेगुलर बेसिस पे पढ़ाई की जा सकती है, राइट। यानी आप घर पे रहते हुए वो सब चीजें आपको मिलेंगी जो इम्पिटस गुरुकुल में भोपाल में हो रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये एक और तरीका हुआ। नेक्स्ट हुआ क्लासरूम प्रोग्राम। अब मान लीजिए कि आपने ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन किया है या आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, पर दोनों केसेस में आप घर पे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, घर छोटा है, डिसिप्लिन नहीं आ रहा, क्योंकि देखिए हर इंसान का नेचर अलग अलग होता है। तो जब मैं इम्पिटस गुरुकुल में, ये भी अच्छी बात है कि आपने ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन किया या आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, दोनों केसेस में आपको लग रहा है कि यार घर पे हो नहीं पा रहा जैसा मुझे पढ़ना चाहिए था, देन बच्चा तुरंत ही शिफ्ट हो जाता है क्लासरूम कोर्स में। तो क्लासरूम में क्या होता है, क्लासेस के साथ साथ बच्चे दिन भर यहां पर सेल्फ स्टडी भी करते हैं, और सुबह अपने आते हैं, क्लास अटेंड करी, ब्रेक हुआ फिर सेल्फ स्टडी करी, लंच ब्रेक करा फिर सेल्फ स्टडी करी, फिर क्लास करी, और फिर अपने डाउट वाउट खत्म करके फिर जाते हैं। तो एक रूटीन सेट हो जाता है और संडे को टेस्ट देते हैं। तो इस तरह से क्लासरूम का ये एडवांटेज होता है कि आपको और कोई काम नहीं होते। घर में रहते हुए कुछ बच्चों के साथ, जैसे अभी मैंने जितने ऑनलाइन इंटरव्यू लिए उनके घर वालों ने काफी सपोर्ट किया, पर कभी कभी घर में जैसे कुछ काम के लिए बोल दिया, या बहुत छोटा घर है, या छोटे भाई बहन या रिलेटिव ज्यादा आ रहे हैं और डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो उस केस में मैं बच्चों को बोलता हूँ क्लासरूम में शिफ्ट कर लें। अब बात आती है बहुत इंपॉर्टेंट, वो है टेस्ट सीरीज। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो मेरा ये सजेशन है कि आप एटलीस्ट टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके, टेस्ट सीरीज का एक पूरा प्लान रहता है टेस्ट सीरीज पेज पे, और उसमें कौन कौन से टेस्ट होने हैं किस टाइम पे वो पता रहता है, उससे आपको हर हफ्ते का वीकली एक शेड्यूल मिलता है, आप उस ऑर्डर में टेस्ट देते हैं और इन टेस्ट पेपर का लाइव एनालिसिस मिलता है जब मंडे को क्लास होती है। तो उससे यह होता है कि अगले हफ्ते क्या पढ़ना है वो भी बता दिया जाता है और आप एक रेगुलर रूटीन में सेट हो जाते हैं। तो सेल्फ स्टडी वाले बच्चों को मैं पर्सनली ये बोलूंगा कि आप इस बात का तो ध्यान रखिए कि आप एटलीस्ट टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, तो उससे आपको काफी एडवांटेज मिलेगा। एक और चीज है, हमेशा पूछी जाती है पेन ड्राइव कोर्स, ये कंप्लीट कोर्स है, ये बहुत ही बेसिक से बनाया गया है। जिनका मैथ्स वीक होता है या जिनकी मैथ्स में बहुत स्ट्रांग अंडरस्टैंडिंग नहीं है वो बच्चे, या जहां पर नेटवर्क एरिया, कई छोटे छोटे गांव में नेटवर्क की दिक्कत आती, ऐसे बच्चों को मैं बोलता हूँ पेन ड्राइव विथ टेस्ट सीरीज का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, पेन ड्राइव के साथ टेस्ट सीरीज इंक्लूड है। तो उसमें क्या होगा कि आप टॉपिक उसी ऑर्डर में पढ़ेंगे जो बताएं पेन ड्राइव कोर्स से, और फिर उसका वीकली लाइव टेस्ट देंगे। टेस्ट में इतना नेट बच्चों को मिल जाता है क्योंकि टेस्ट में इतनी हाई स्पीड नहीं लगती। तो इस तरह से आप इस इन चार चीजों से जुड़ सकते हैं। अब आपको क्या डिसीजन लेना है ये बेटा आपको देखना है। अगर आप घर पर रह के पढ़ सकते हैं पर आपको प्रॉपर गाइडेंस मिले, देन गो फॉर ऑनलाइन क्लास। अच्छा क्या होता है कि जब हम कहीं ज्वाइन कर लेते हैं एक मेंटर की जरूरत हमेशा पड़ती, कोई आपको प्रॉपरली गाइड कर रहा हो, जो बता रहा हो, इसलिए आपके लिए वो अच्छा रहता है। पर ये डिसीजन बेटा आपको लेना है। तो अगर आप घर पे पढ़ सकते हो पर आपको गाइडेंस की कमी है, रेगुलिटी की कमी है, कैसे पढ़ना है, कहां स्टार्ट करना है, कहां खत्म करना है, ये दिक्कतें होती हैं सेल्फ स्टडी में, तो बेटर है कि गो फॉर ऑनलाइन क्लास। अगर घर पे नहीं हो पाती देन कम फॉर क्लासरूम। अगर घर पे पढ़ाई अच्छी हो रही, किस ऑर्डर में कैसे पढ़ना है पर अपना असेसमेंट कैसे करें, देन गो फॉर टेस्ट सीरीज। अगर नेटवर्क की प्रॉब्लम है देन गो फॉर पेन ड्राइव विथ
सीरीज, इस तरह से आप इम्पीटस गुरुकुल से जुड़ सकते हैं। अब आता है वो क्वेश्चन जिसका आपको हमेशा आपके मन में क्वेश्चन है ये कि सर अगर मान लीजिए कि मैं सेल्फ स्टडी करता हूं तो किस ऑर्डर में कैसे पढ़ूं, तो वो भी मैं आपको समझाता हूं जिससे कि आपकी सेल्फ स्टडी अच्छे से हो सके। तो सेल्फ स्टडी के लिए या किसी भी प्रोग्राम के लिए क्या क्या करना है, जो क्लासरूम वाले हैं उनको भी मैं बताने वाला हूं। सबसे पहले जब भी किसी एग्जाम की हम तैयारी कर रहे होते हैं, स्पेशली फॉर, देखिए क्लासरूम ऑनलाइन वगैरह ज्वाइन करते हैं तो मैं आपको सब बताते ही हूं, पर अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो सबसे पहले नो द सिलेबस, मतलब किसी भी एग्जाम के पहले आपको एक तो सिलेबस पूरा पता हो, ठीक है ना, पूरा सिलेबस प्रॉपरली पता हो, एग्जाम का पैटर्न क्या है, मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, राइट बुक क्या है ना, टाइम टेबल क्या होना चाहिए और टेस्ट पेपर्स किस ऑर्डर में दे। यानी ये पांच, ऐसे पांच छह पॉइंट मैंने ऐसे लिए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर सेल्फ स्टडी के लिए, कि अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो बिफोर एग्जाम सबसे पहले तो देखिए कि क्या पैटर्न है, सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, मार्क्स स्कीम क्या है, बुक कौन सी लेना चाहिए, टाइम टेबल क्या होना चाहिए और मॉक टेस्ट कैसे दें। अब बात आती है, देखिए ये जो टेस्ट पैटर्न है ये 21 का दिया है, 22 का नया नया आया नहीं है, पर पिछले 8-10 साल से ही चल रहा, तो कोई चेंजेस नहीं होगा, पर मैंने इसलिए लिखा कि कभी कोई चेंजेस ना हो। अभी के डेट में 120, ये न्यू स्टूडेंट के लिए बता रहा हूं, ड्रॉपर स्टूडेंट के लिए नहीं है, 120 क्वेश्चन में 50 मैथमेटिक्स, 40 लॉजिकल रीजनिंग, 10 कंप्यूटर और 20 इंग्लिश, बट इनके लिए मार्क्स स्कीम थोड़ी अलग रहती है। 600 का होता है, 50 × 12 यानी मैथ्स के 12 मार्क्स होते हैं, एलआर में 240 मार्क्स का होता है, 40 × 6, कंप्यूटर सेक्शन 8 मार्क्स का होता है, 8 × 10 और टोटल 80 मार्क्स, और इंग्लिश सेक्शन भी 80 मार्क्स का होता है पर एक मार्क, एक क्वेश्चन के 4 मार्क्स मिलते हैं। इस तरह से टोटल पेपर 1000 का होता है। अब बात आती है पढ़ना किस ऑर्डर में स्टार्ट करें, तो मैं आपको बता दूं कि मैंने कुछ सिलेबस के इंपॉर्टेंट कीवर्ड लिए हैं। पढ़ने का तरीका आप याद रखिए, एलजेब्रा से पढ़ना चालू करें, मैंने नाम भले ही इस ऑर्डर में दिए पर इस ऑर्डर में नहीं पढ़ना। सबसे पहले आपको पढ़ना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इन इक्वेशन, दूसरे नंबर पे आपको पढ़ना है प्रोग्रेशन, फिर बाइनोमियल थ्योरम, फिर डिटरमिनेंट, फिर मैट्रिक्स, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, फिर लॉगरिथम, रिलेशन फंक्शन बाद में, फिर सेट थ्योरी, ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन एंड परमुट, सेट थ्योरी और फिर परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। यानी आपके पढ़ने का ऑर्डर में मैं आपको वैसे रेगुलर बेसिस पे गाइड करूंगा, पर एक आइडिया दे रहा हूं, अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन करिएगा कवर, नंबर वन, नंबर टू पर करिएगा प्रोग्रेशन, या ऑर्डर रखने से बहुत फायदा होगा, ये 3 then 4 then 5 then 6 then 7 then 8 then 9, ये पढ़ेंगे हम कैलकुलस के साथ, इस ऑर्डर में आपको पढ़ाई करनी है। तो पहले एलजेब्रा फिनिश करिए, जैसे ही एलजेब्रा कंप्लीट हो देन ट्रिग्नोमेट्री पे आना है। अब एलजेब्रा में कितना टाइम लगेगा, लगभग लगभग 1 मंथ से लेके 2 मंथ के बीच में, डिपेंड आपकी लेवल क्या है। फिर बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री लगभग मिनिमम 30 डेज टू 50 डेज आपको ट्रिग्नोमेट्री में लगना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री के बाद बात करूं तो आपको कैलकुलस, कैलकुलस में लगभग 2 मंथ लगने चाहिए, यही ऑर्डर होना चाहिए आपके पढ़ने का। कैलकुलस के बाद बात करूं तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी 2D ये पढ़ना है आपको, करीब करीब 20 डेज लगेंगे इसमें। 2D के बाद बेसिक मैथमेटिक्स के कंसेप्ट दिए, फिर वेक्टर अलजेब्रा, स्टेटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, इस ऑर्डर में मैथ्स पढ़ना, पर केवल मैथ्स नहीं पढ़ना, मैथ्स के साथ साथ आप ध्यान रखिएगा मैं क्या बोलना चाहता हूं, ये 6 महीने में आपको मैथ्स का सिलेबस खत्म करना है, इंक्लूडिंग 6 मंथ आपको पैरेलली, सुनिएगा ध्यान से, इन 6 महीने में पढ़ने के साथ साथ पैरेलली आपको एलआर का भी पोर्शन, कंप्यूटर तो बहुत बेसिक लेवल पे आती है, ये तो आप बाद में भी कर सकते हैं, पर आपको क्वांटिटी एप्टीट्यूड और साथ में एलआर पढ़ना है। तो 2 महीने का लगभग समय दीजिए क्वांट में, जिससे एससीएफ एलसीएम रेशियो, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉब्लम ऑन एज, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम वर्क, पाइप सिस्टम, मिक्सर, प्रॉब्लम ऑन ट्रेन, टाइम डिस्टेंस, प्रॉब्लम ऑन क्लॉक, प्रॉब्लम ऑन कैलेंडर एंड रीजनिंग आपको पढ़नी है, 2 महीने वो और 2 महीने कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, पजल टेस्ट, डायरेक्शन एंड सी। अब आपको ट्राई ये करना चाहिए कि 3:1 का रेशो रखिए, 3 घंटे अगर आप मैथ्स पढ़ते हैं
तो एटलीस्ट 1 घंटे एलआर पढ़िए, और 6 घंटे मैथ्स पढ़ते हैं तो 2 घंटे। अब जैसे अगर फाइनल ईयर में है तो 3:1, क्योंकि आपको कॉलेज की पढ़ाई करनी, 4 घंटे पढ़ाई करें सफिशियंट, 1 घंटे क्यूए एलआर और 3 घंटे मैथ्स। अगर आप ड्रॉपर हैं तो 6:2 का रेशो रखिए, यानी 6 घंटे मैथ्स और 2 घंटे क्यूए एलआर। कंप्यूटर पोर्शन वीकेंड पे पढ़ लो या फिर आखिरी में पढ़ लेना। हफ्ते में एक दिन कंप्यूटर, उसके एक हफ्ते इंग्लिश के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अगर इंग्लिश मीडियम है तो, नहीं तो नहीं। ठीक है, इस तरह से अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं सेल्फ स्टडी, और एक ऑर्डर जो मैंने बताया, इसी ऑर्डर में मैं पढ़ाता हूं, वही ऑर्डर मैंने आपको बताया, तो उसी ऑर्डर में पढ़िए, उसी ऑर्डर में आपकी टेस्टिंग होगी। अपने आप लगभग, जैसे आज सेप्टेम्बर है तो सेप्टेम्बर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, अगर आप चाहें तो 6 महीने में कोशिश करके मैथ्स के साथ साथ क्यू एल आर का सिलेबस करके लास्ट के 2-3 महीने का टाइम मिलेगा, जिसमें आप क्विक रिविजन के साथ फाइनल टेस्ट सीरीज देके अपने आप को पूरी तरह से तैयार कर सकते हैं। तो ये एक बहुत प्रॉपर मैंने आपको कंसेप्ट बताया है, आप आई होप कि इसे फॉलो करेंगे। कोई भी कमी रह गई हो, कुछ भी और क्वेश्चन हो, तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, अगला सेशन में मैं जरूर बताऊंगा। और एक बात और बोलूंगा फिर से, चाहे आप सेल्फ स्टडी करें, चाहे ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करें, चाहे टेस्ट सीरीज करें, चाहे पेन ड्राइव कोर्स से जुड़े, जिससे भी जुड़ना है, पर कुछ ना कुछ एक्शन ले लें, सोचते ना रहें, अभी भी बहुत वक्त है, अगर कोशिश करेंगे तो निकल जाएगा। मैंने ऐसे ऐसे बच्चों के इंटरव्यू डाले, आप सुनेंगे, जिन्होंने दिसंबर में नवंबर में ज्वाइन करके भी एक टॉप रैंकिंग दी है, तो आप भी दे सकते हैं, बशर्ते एक फोकस एंड पॉजिटिव माइंड से करें, चाहे सेल्फ स्टडी करें, चाहे जो जो भी करें, पर डिसीजन लें और अपने आप को थोड़ा सा पहचानें कि आप सही में कहां पर सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस करते हैं, आपको कितनी जरूरत है किस चीज की, ये आपको, आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता। ये मैंने एक बेसिक टाइम टेबल दिया, आइडिया दिया, ऑर्डर दिया, ना स्टार्ट एक्शन, और उम्मीद है कि अगले साल आप भी इस अवार्ड सेरेमनी का हिस्सा बनेंगे और आपके भी इंटरव्यू, आपके भी एक्सपीरियंस बच्चे सुनेंगे। ये सोच के साथ अपनी पढ़ाई करिए। ऑल द बेस्ट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।